हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनकी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या वैल्यूज होंगी इसको ऑप्टेन करने के लिए, इसको निकालने के लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहां पर बनाने जा रहे हैं। इस टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम साइन का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज को ऑप्टेन करेंगे। साइन के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को ऑप्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 0 के ऊपर यहां पर 0 लिखना पड़ेगा, 30 के ऊपर 1, इसके ऊपर 45 के ऊपर 2, 60 के ऊपर 3 एंड 90 के ऊपर 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 0, 30, 45, 60, 90 के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। अब इन सभी के नीचे आप 4 लगा लेंगे। ठीक है, अब सभी के नीचे आप 4 लगा लेंगे और अब आप इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का मतलब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 0 अपॉन 4 की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 अपॉन 4 की वैल्यू हम इसमें कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते तो ये एज इट इज रहेगी, तो ये 1 अपॉन 4 रहेगा। 2 अपॉन 4 इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2। 3 और 4 को रिड्यूस नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 इसको कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 1, तो 4 अपॉन 4 की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप सभी पर क्या लगा लीजिए, अंडर रूट लगा लीजिए सभी पर, जो आपने रिड्यूस करके वैल्यूज बनाई हैं सभी पर अंडर रूट लगा लीजिए। तो एक आप रिवाइज कर लेते हैं, 0, 30, 45, 60, 90 इनके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, सभी नंबरों के नीचे 4 लिख लीजिए, फिर उसको रिड्यूस कर लिया, उसको सॉल्व कीजिए। जैसे 0 अपॉन 4 यहां पर 0 आ जाएगा, 0 लिख लीजिए, 1 अपॉन 4 का आप एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, 2 अपॉन 4 का रिड्यूस करके आएगा 1 अपॉन 2, इसे 1 अपॉन 2 लिख लीजिए, 3 अपॉन 4 को एज इट इज लिख लीजिए क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा, 4 अपॉन 4 को कैंसिल आउट करके 1 बना लीजिए, 1 को लिख लीजिए, फिर सभी के ऊपर अंडर रूट लगा लीजिए। ठीक है, अंडर रूट लगा लीजिए। अब 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0, इसलिए साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, यहां से हमने ये बनाया। अब 1 का अंडर रूट हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1 और 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2, तो इसलिए साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जब 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट 2, तो यहां अंडर रूट 1/2 से हमें मिलेगा 1/√2। और जब यहां पर आएंगे तो 3 का स्क्वायर रूट होगा √3 और 4 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो बन जाएगा 2, तो यहां से अंडर रूट 3/4 से हमें मिलेगा अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमेशा 1 होता है। तो इस तरीके से हमने साइन के 0 डिग्री की, साइन के 30 डिग्री की, साइन के 45 डिग्री की, साइन के 60 डिग्री की, साइन के 90 डिग्री की वैल्यूज को ऑप्टेन कर लिया। चलिए अब हम कॉस के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के वैल्यूज को ऑप्टेन करते हैं। इसके लिए हमें करना है क्या है, इसके लिए हमें यह करना है जो हमने साइन की वैल्यूज ऑप्टेन की है जो ये लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में है इसको राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में लिख देना है, यानी कि साइन की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिख देंगे तो कॉस की वैल्यूज बन जाएंगी। जैसे यहां साइन में सबसे पहले हमारे पास में साइन 0 डिग्री पे 0 आया है तो ये सबसे पहला वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी कि कॉस के 90 डिग्री पे 0 होगा, तो पहले वाले को सबसे लास्ट में लिख देंगे यहां पर। ठीक है, और जो ये सेकंड वैल्यूज यानी कि साइन के 30 डिग्री की वैल्यूज हमारे पास में हाफ है तो ये सेकंड वैल्यू सेकंड लास्ट में चली जाएगी, तो कॉस के 60 डिग्री की वैल्यूज हमारे पास में हाफ हो जाएगी। फर्स्ट वैल्यू सबसे लास्ट में चलेगी, सेकंड वैल्यू सेकंड लास्ट में चलेगी, थर्ड वैल्यू थर्ड लास्ट में रहेगी, यानी कि ये इसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, और जो ये सेकंड लास्ट वैल्यू है वो अब यहां पर आ जाएगी और जो ये सबसे लास्ट वैल्यू है साइन की वो सबसे पहले आ जाएगी। तो
तो हमने जो ये साइन की वैल्यूज थी लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, उसे राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में यहां पर लिख दिया, तो कॉस की वैल्यूज बन गई। चलिए हम टेन की वैल्यूज को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि अब हम टेन के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज को ऑब्टेन करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, 10 की वैल्यूज को अगर हमें ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, साइन की वैल्यूज अपॉन कॉस की वैल्यूज करने से 10 की वैल्यूज आ जाती है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं टेन थीटा हमेशा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। इसीलिए हमें यहां पर क्या करना है, 10 की वैल्यूज को ऑब्टेन करने के लिए साइन की वैल्यूज अपॉन कॉस की वैल्यूज रख करके हम 10 की वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हमें 10 का 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो हमें साइन के 0 डिग्री अपॉन कॉस के 0 डिग्री की वैल्यू को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 10 की वैल्यू को निकालने के लिए हम साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू करने जा रहे हैं, तो यहां पर हमें क्या करना है, 0 अपॉन 1 करना है, तो 0 ऊपर होगा नीचे 1 होगा, तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि जब भी किसी फ्रैक्शनल नंबर में 0 ऊपर होता है तो वैल्यू आती है 0, तो यहां पर 0 अपॉन 1 है तो यहां वैल्यू आएगी 0, तो 10 की 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम 10 के 30 डिग्री की वैल्यू को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, हमें साइन के 30 डिग्री की वैल्यू को कॉस के 30 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो न्यूमरेटर में ये वाला फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में ये वाला फ्रैक्शन आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 1/√3, तो 10 30 डिग्री होगा 1/√3। अब हमें 10 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू को कॉस 45 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। तो साइन 45 है 1/√2 और कॉस 45 है 1/√2, 1/√2 अपॉन 1/√2, यानी कि सेम नंबर अपॉन सेम नंबर, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आएगा 1, तो हमें याद रखना चाहिए 10 45 डिग्री हमेशा 1 होता है। चलिए अब हम 10 60 डिग्री की वैल्यूज को ऑब्टेन करते हैं। इसके लिए हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू को कॉस 60 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा √3 अपॉन 1, ऊपर √3 नीचे 1 आएगा, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप 1 से √3 को डिवाइड करोगे तो √3 ही आएगा, तो यहां पर वैल्यू बनेगी √3 अपॉन 1 यानी कि √3। 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 ऊपर नीचे 1 बचेगा, तो √3 अपॉन 1, 1 से हम √3 को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू बनेगी √3। चलिए अब हम 10 90 डिग्री की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। इसके लिए हम साइन 90 डिग्री की वैल्यू को कॉस 90 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर 1 और नीचे 0, और जब भी ऊपर 1 हो और नीचे 0 हो, ऊपर कोई भी नंबर हो और नीचे 0 हो, तो ऐसे फ्रैक्शनल नंबर की जो वैल्यू बनती है वो बनती है नॉट डिफाइंड, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। जब भी नीचे किसी फ्रैक्शन में नीचे 0 हो तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, यानी कि उस फ्रैक्शन की वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते कि क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसलिए हम 1/0 वाले केस में, 1/0 वाले केस में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है तो वैल्यू बनेगी नॉट डिफाइंड, हमें पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, करेक्ट। चलिए अब हम कॉट की वैल्यूज को ऑप्टेन करते हैं। कॉट की वैल्यू को ऑप्टेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी 10 की वैल्यूज हमारे पास में यहां आई हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना चाहिए, यानी कि जो 10 में सबसे पहले वैल्यू मिलती है वो कॉट में सबसे लास्ट में चली जाएगी, यानी कि ये 0 जो है सबसे स्टार्टिंग में 10 के 0 डिग्री पे है तो कॉट के 90 डिग्री पे चला जाएगा, ये वाला सबसे लास्ट में चला गया, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट में चल जाएगा, यानी कि जो 10 का 30 डिग्री है वो कॉट का 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट में चला जाएगा। अब ये जो थर्ड वाला है, फर्स्ट वाला लास्ट में चला गया, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट में चला गया, थर्ड वाला यहां थर्ड लास्ट में आ जाएगा, और जो ये फोर्थ वाला है वो यहां सेकेंड में आ जाएगा, यानी कि सेकेंड लास्ट वाला इधर सेकेंड में आ जाएगा, और जो ये सबसे लास्ट वाला है वो सबसे पहले आ जाएगा।
तो कॉट की वैल्यूज को ऑप्टेन करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, जो भी हमने टेन की वैल्यूज को निकाला है लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में निकाला है तो उसे राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में लिख लीजिए, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिख लीजिए। चलिए अब हम sec की वैल्यूज को ऑप्टेन करते हैं। हम sec के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को यहां पर ऑप्टेन करेंगे। हमें अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए जो sec होता है वो क्या होता है, sec थीटा हमेशा इक्वल होता है 1 अपॉन cos थीटा के, यानी कि sec का रेसिप्रोकल रेशियो होता है cos थीटा। ठीक है, तो अगर हमें sec की वैल्यूज चाहिए तो हमें cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशियोज होते हैं। मुझे sec 0 डिग्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, cos 0 डिग्री जो हमारे पास में है, cos 0 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास में है उसका हमने रेसिप्रोकल करना है। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 1, यानी कि sec 0 डिग्री हो जाएगा 1। हमने cos के 0 डिग्री की जो वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल करके यहां पर लिख दिया। अब हम sec के 30 डिग्री की वैल्यू को ऑब्टेन करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, cos के 30 डिग्री की जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो sec के 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 2/√3, क्योंकि cos के 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो sec के 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 रेसिप्रोकल। ठीक है, अब हम sec की 45 डिग्री की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, cos के 45 डिग्री की जो वैल्यू है ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा √2/1, क्योंकि यहां पर 1/√2 है तो यहां पर आ जाएगा √2/1, और नीचे जब 1 होता है 1 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही रहेगा, तो 1 को आप यहां से आराम से हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो 1/√2 का यहां हो जाएगा √2/1 और वो वैल्यू बन जाएगी √2। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू भी आ गई और हमने उसको cos 45 डिग्री की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके ऑब्टेन की, निकाल दी। अब हम sec 60 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2/1, और नीचे 1 है ना, 1 से अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो 2 ही रहेगा ना, तो इसको आप हटा दे सकते हैं, 2/1 को आप 2 लिख सकते हैं। sec 90 डिग्री की वैल्यू हमने यहां पर ऑब्टेन करनी है, तो हम cos 90 डिग्री की वैल्यू को यहां पर पहले देखते हैं, cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0, तो sec 90 डिग्री की वैल्यू बनेगी 1/0 इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, 1/0, और जब भी नीचे 0 आएगा 1/0, जब भी नीचे 0 आएगा ऊपर कोई भी नंबर हो तो हमारे पास में वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए क्योंकि cos 90 डिग्री 0 है तो sec 90 डिग्री 1/0 होगा, तो आएगा नॉट डिफाइंड, करेक्ट। अब इसके बाद हम cosec को निकालना चाहेंगे, cosec को निकालने के लिए हमें क्या करना है, sec की वैल्यू जो लेफ्ट टू राइट आपने लिखी है उसको आप राइट टू लेफ्ट लिख देंगे, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो आपको cosec की वैल्यू मिल जाएगी। sec की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिखने से cosec की वैल्यू हमको मिल जाती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। ठीक है ना, तो sec 0 डिग्री की वैल्यू 1 है तो cosec 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट को आपने सबसे लास्ट में लिख लिया तो सेकेंड को आप सेकेंड लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, थर्ड को आप थर्ड लास्ट में, और सेकेंड लास्ट को इस वैल्यूज को इससे पहले यहां पर, और जो सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो sec की वैल्यूज को जो लेफ्ट टू राइट थी हमने राइट टू लेफ्ट लिख दिया, तो cosec की वैल्यूज हमारे पास में ऑप्टेन होगी, हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा टेबल यहां पर फॉर्म कर लिया। तो इस टेबल की हेल्प से आप कई सारे अपने बुक्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।